नाइटफॉल से कैसे बचे, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला यहाँ पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं प्रॉब्लम लेके कि मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है, और फिर धीरे से धीरे आवाज में बोलते हो मुझे है ना बहुत सालों से नाइटफॉल हो रहा, बचपन से मुझे नाइटफॉल हो रहा है, स्वप्न दोष होता है और उसके वजह से मुझे अभी इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो जब मैं उनको चेक करता हूँ बोलता भाई आपके इसमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, नहीं मगर नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा सीमेन को लॉस किया है, मैंने बहुत ताकत गंवाई हुई है और अभी मुझे बिल्कुल ही इरेक्शन नहीं आता है, मेरी इच्छा भी नहीं होती है, ऐसा करके लोग आते हैं। देखो ह्यूमन बींग की है ना बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल होती है। यदि आपको ऐसा दिमाग में डाला गया है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु है, तो डेफिनेटली ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ, नाइटफॉल बहुत चले गया, तो फिर डेफिनेटली मृत्यु तो है ही, बिलीफ है। तो ये सब बातें जो है ये फालतू की बातें, मिथ बढ़ाने वाली है, गलत फहमियाँ बढ़ाने वाली है। क्या होता है, लड़का जब पुरुष बनता है उम्र के 13, 14, 15 साल के रेंज में, तब उसको सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, पेनिस बड़ा हो जाता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और फिर उस समय उसको सपने आना चालू होते हैं, लाइक सेक्स के सपने आते हैं, या फिर उसका नेचुरल इरेक्शन, नॉक्चर्नल इरेक्शन जिसको बोलते हैं, नेचुरल इरेक्शन होते रहता है, वो पेनिस जब इरेक्ट होता है तो वो घिसता है और घिसने के बाद में नाइटफॉल होता है, या फिर वो उल्टा सोता है तो बेडशीट के ऊपर भी वो प्रेशर आके या फ्रिक्शन होके नाइटफॉल हो जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा खराबा नहीं है, मगर लोगों के दिमाग में बहुत रहता है कि नहीं नहीं ये खराब है और ये अच्छा नहीं है, मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि भाई नाइटफॉल होता क्यों है। एक तो क्या है कि उम्र में आए करके मतलब सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई, हार्मोनल चेंजेस, अभी हार्मोन बढ़ना शुरू हो गए तो नाइटफॉल होना ही चाहिए, नॉर्मल है और वो अच्छा लक्षण है, इट्स अ गुड साइन। उल्टा मैं बोलता हूँ कि यदि नाइटफॉल हुआ नहीं तो मेरे पास में आ जाओ कि भाई मैं अभी उम्र में आया हूँ, मेरी उम्र 20 साल की है और पिछले 5-6 साल में एक बार भी मुझे नाइटफॉल नहीं हुआ है, तो तकलीफ वाला कार्यक्रम है। तो उस समय नाइटफॉल हुआ करके नहीं आना चाहिए, नाइटफॉल नहीं हुआ करके आना चाहिए। वैसे ही यदि बहुत दिन की गैप सेक्स में पड़ी है, पति पत्नी दूर रहते हैं या शादी होने की है या बीमारी है करके सेक्स नहीं हुआ है, जो भी कोई कारण होंगे, तो फिर नाइटफॉल डेफिनेटली होता है। नाइटफॉल मतलब क्या होता है कि पेनिस का इरेक्शन होता है, इरेक्शन होने के बाद में वो फ्रिक्शन होता है और इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन, वीर्यपतन बिना कंट्रोल का वीर्यपतन होता है और कपड़े गीले होते हैं और वीर्य बाहर आता है, उसको नाइटफॉल बोलते हैं। तो फिर सेक्स हुआ ही नहीं है, बहुत दिन से गैप हुआ है तो वो बाहर आ रहा है वीर्य। पॉर्न मूवी यदि आप सोने के पहले देखते हो, सेक्स मूवी देखते हो, तो नाइटफॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे सपने में यदि आप सेक्सुअल ऑर्गन स्टिम्युलेट करते हैं तो होता है नाइटफॉल। ऐसे कुछ स्टडीज में पाया गया है कि आपका ब्लैडर यदि फुल है, मतलब पेशाब, सोने के समय आप पेशाब करके नहीं सोए, ब्लैडर में पेशाब है, तो नाइटफॉल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। वैसे मोटा पाया तो ओबेसिटी, स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी है, नो एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो नाइटफॉल होता है। स्पाइसी फूड जब आप खाते हो तो उससे नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, एक तो स्पाइसी फूड मत खाओ, फिर जो डाइट है आपका उसमें इलायची, लवंग, लहसुन, मेथी, प्याज, अदरक, मतलब जो स्पाइसी है, मसालेदार पदार्थ, ये सब कम करना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आप फिट रहेंगे। सोने के पहले यूरिन पास करके सोने को होना, और आप यदि रेगुलरली मास्टरबेट करते हो तो डेफिनेटली नाइटफॉल नहीं होगा। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई मास्टरबेशन में गया हुआ वीर्य, सेक्स में गया हुआ वीर्य और नाइटफॉल में गया हुआ वीर्य एक ही बात है ना, अलग थोड़ी है, वीर्य तो बाहर ही जा रहा है तो उसमें डरना क्यों है, डरने की बात नहीं। मगर अभी लोग डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नाइटफॉल हुआ करके मेरा इरेक्शन वीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, करके मुझे वीकनेस आ गया, करके मैं अभी आदमी में नहीं रहा, क्योंकि वो बचपन से दिमाग में भरा हुआ है कि वीर्यपात नहीं होना चाहिए, वीर्य गमाना नहीं चाहिए, वीर्य रोक के रखना चाहिए, और वीर्य यदि रोक के रखा तो वो दिमाग में जाता है, वहाँ से आपको बहुत एनर्जी मिलती है, सब झूठ, पूरा झूठ। कुछ ऐसे स्टडीज है जिसमें बताया कि आलमंड मिल्क मतलब बादाम मिल्क लेते हैं तो नाइटफॉल कम होगा। सोने के समय सूदिंग म्यूजिक, शांत रिलैक्सेशन वाला म्यूजिक आप सुनते हैं, उससे नाइटफॉल नहीं होगा। मेडिटेशन करते हो सोने के पहले तो वो भी एक फायदेमंद होता है। नाइटफॉल से एक तो वीकनेस आता है लोगों को, ऐसा लोगों को लगता है, और दूसरा नाइटफॉल हुआ करके लोगों को डिप्रेशन भी बहुत आता है, करके बहुत लोगों को वीकनेस आता है, वजन घटना शुरू हो जाता है,
फिर खाना नहीं चलता, बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई नाइटफॉल हो मतलब उन काम से गए। टेस्टोस्टेरोन यदि आप ले रहे हैं कोई कारण से, टेस्टोस्टेरोन बंद करना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन से भी नाइटफॉल हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके लिए नुस्खे हैं, तो वो आप नुस्खे का वापर करते हैं तो डेफिनेटली आपका नाइटफॉल कम होगा। मगर दिमाग में ये लाओ कि नाइटफॉल को ठीक करना नहीं है, नाइटफॉल ये नॉर्मल है और उससे बचना ही है। तो दिमाग में से वो निकाल डालो कि नाइटफॉल गलत है, वो निकालना ही पड़ेगा कि नाइटफॉल गलत है, ऐसा दिमाग में रखा तो फिर बचे कैसा आ गया, हमको बचना ही नहीं है, हमको तो चालू रखना है। तो वो चालू रखो, जितना ज़्यादा वो बाहर आ रहा है इसका मतलब एक सबूत है कि आप आदमी में हो, आप पुरुष हो। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई इससे ज़्यादा सबूत आपको क्या चाहिए कि आप पुरुष में, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है शादी के बाद में, नाइटफॉल हो रहा है, इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए, बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह का आपने नाइटफॉल की तरफ देखना चाहिए। ये जो गलत फहमी है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, भी गलत फहमी है, तभी लोग अपना वैवाहिक जीवन सुखी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी वो लोगों को शेयर करो कि जो अकेले है, जो अपने पत्नी से दूर है, जो जिनकी शादी होने की है या कोई कारण से सेक्स नहीं हो रहा है, तो उनको भेजो, तो उनको लगेगा ये तो नॉर्मल है, मुझे तो ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वह गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।